गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन योर इंग्लिश क्लास। हमने हमारी लास्ट क्लास में हमारी रीडर बुक का लेसन नंबर 1 रीड करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट लेसन क्लेवरनेस पेस, जिसने हमने एक क्रोकोडाइल और मंकी की स्टोरी पढ़ी थी। क्या था कि एक मंकी और क्रोकोडाइल दोनों अच्छे दोस्त होते हैं, नदी किनारे रहते हैं। मंकी पेड़ पे रहता है, क्रोकोडाइल रिवर में रहता है। तो वो रोज़ आम खाते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन जो क्रोकोडाइल है और उसकी वाइफ है, उनके मन में लालच आ जाता है। वो मंकी को मारना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो रोज़ आम खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। इसीलिए वो प्लान बनाता है। क्रोकोडाइल उसको बोलता है कि मेरे बेटे का बर्थडे है और तुम्हें आना है। तो वो क्या करते हैं, उसको बुलाते हैं पार्टी में, बर्थडे पार्टी में। तो जो मंकी है वो कहता है मुझे तैरना नहीं आता। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ओ यू हैव अरेंज द डिनर ऑन द रॉक ओवर देयर। अरेंज होता है बेटा व्यवस्था, व्यवस्था। वो कहता है कि हमने वहाँ उस रॉक पे डिनर की व्यवस्था की है। इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, कहता अगर तुम्हें तैरने से डर लगता है, सिट ऑन माई बैक सेफली, मेरी पीठ पे सुरक्षित रूप से बैठ जाओ, एंड आई विल टेक यू देयर, और मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। डोंट बी अफ्रेड, कम ऑन माई फ्रेंड, डरो मत, आओ मेरे दोस्त। इन द मिडल ऑफ द जर्नी, जर्नी होता है बेटे यात्रा, यात्रा के बीच में, द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल कहता है माई डियर फ्रेंड टूडे इज नॉट एनी बर्थडे पार्टी, कहता आज कोई बर्थडे पार्टी नहीं है। आई हैव ट्रैप्ड यू, ट्रैप्ड होता है फंसाना, मैंने तुम्हें फंसाया है। I want to kill you, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, and cook a delicious dish out of your sweetheart, और तुम्हारे मीठे दिल से मैं एक जो है मीठी डिश है वो पकाना चाहता हूँ। You want to eat my heart, but why, तुम मेरा दिल खाना चाहते हो, पर क्यों। Ask the monkey in great fear, fear होता है डर, या हम भय बोल सकते हैं। बड़े भय से मंकी ने पूछा। यू ईट स्वीट मैंगोस एवरी डे, तुम रोज मीठे आम खाते हो, सो योर हार्ट विल बी स्वीटर देन दोस मैंगोस, तो जो तुम्हारा हार्ट है, तुम्हारा दिल है, वो उन आमों से ज़्यादा मीठा होगा। द मंकी वाज शॉक्ड फॉर अ वाइल, एक पल के लिए जो मंकी था वो चौंक गया। He could not decide what to do, वो ये नहीं decide कर पाया कि अब उसे क्या करना है। Suddenly he thought of a plan, अचानक, suddenly क्या होता है अचानक, उसने plan किया। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, the monkey said, monkey ने कहा, please forgive me, forgive होता है माफ़ी, मुझे माफ़ कर दो। Why didn't you tell me द बिफोर, तुमने यह पहले मुझे क्यों नहीं बताया। द क्रोकोडाइल लाफ्ड एंड सेड, क्रोकोडाइल था वो हंसा और कहा, इफ़ यू न्यू माई प्लान अर्लियर, कहता अगर मेरे प्लान के बारे में तुम्हें पहले पता चल जाता, यू वुड नॉट हैव कम टू माई हाउस, तुम मेरे घर नहीं आते। अलग वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पहले पता चल जाता तुम्हें, तो तुम मेरे घर नहीं आते। सो आई केप्ट माई प्लान अ सीक्रेट, इसलिए मैंने अपने प्लान को सीक्रेट रखा, गुप्त रखा। माई फ्रेंड द मंकी सेड, मेरे दोस्त मंकी ने कहा, आई एम रेडी टू गिव यू माई हार्ट बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कहता मैं तुम्हें अपना दिल देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, बट
टुडे आई हैव अ प्रॉब्लम, पर मुझे आज प्रॉब्लम है। लास्ट इवनिंग आई हैड अ हाई फीवर एंड कफ कोल्ड, कहता लास्ट इवनिंग मुझे तेज़ बुखार और कोल्ड हो गया था, जुखाम हो गया था। माई होल बॉडी वाज शिवरिंग, शिवरिंग होता है कांपना, कंपाना। कहता मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। यू नो माई हर्ट इज़ वेरी सॉफ्ट, तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि मेरी जो बॉडी है वो, सॉरी, मेरा जो हार्ट है, मेरा दिल है वो बहुत सॉफ्ट है। सो आई टुक इट आउट ऑफ माई चेस्ट एंड प्लेस्ड इट द होल ऑफ द ट्री फॉर सेफ्टी। इसीलिए मैंने अपना जो मेरा दिल है वो मैंने अपनी छाती से निकाला और उसे ट्री के एक होल में सेफ्टी से रख दिया, सेफ्टी के लिए रख दिया। सेफ्टी होता है सुरक्षा के लिए। इट इज स्टिल देयर, अभी वह वहाँ है, यानी कि जो उस वो कहता है कि मेरा जो दिल है अभी वहाँ ट्री में है। इफ़ यू टेक मी बैक टू द बैंक, कहता अगर तुम मुझे किनारे पे ले जाओ, वापस ले जाओ, आई विल क्लेम द ट्री एंड रिटर्न विद माई हार्ट। कहता मैं ट्री पे लटकूंगा और वापस दिल के साथ आ जाऊंगा। तो ये था आपका फर्स्ट लेसन का नेक्स्ट पेज। अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपने इस पेज को अच्छे से रीड करना है और एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे अच्छे से समझना है। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए रीड इट एंड थैंक यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे।